प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आप सभी का मेरे इस चैनल लिसन एंड लर्न हिंदी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं, मानी डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को, बातचीत को, मानी कन्वर्सेशन को लिखा जाता है, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता का ज्यों का त्यों लिख कर भी हो सकता है। संवाद लेखन, इसकी जो भाषा होती है, ये बोलने वाले के अनुसार अलग-अलग होती है। उदाहरण के रूप में, एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज्यादा संतुलित और सारगर्भित होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफी अंतर होगा। इस तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं, इनकी भाषा अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति आदि का ध्यान रखना चाहिए। संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखें। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। ये संवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम मन को लुभाने वाले होने चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या अप्रचलित, माने जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करता हो, ना उपयोग में लाए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के बारे में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात, जब कोई उस संवाद को पढ़े, तो उसे पता हो जाना चाहिए कि संवाद का विषय क्या है। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य, विनोद, हंसी मजाक, व्यंग्य का मतलब सरकाजम, विनोद का मतलब हंसी मजाक का समावेश भी होना चाहिए। यथास्थान, जहां पर भी हमें आवश्यकता लगे, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इडियम्स का प्रयोग भी करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है, लाइवलीनेस आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। बहुत ही इफेक्टिव डायलॉग्स बन जाते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। जब भी हम कोई संवाद लिखें, जो भी वो संवाद बोल रहा हो, उसका नाम भी पहले लिखना चाहिए, फिर हमें संवाद लिखना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। माने आपका संवाद जितना स्वाभाविक होगा, नेचुरल होगा, उतना ही सजीव लगेगा, बहुत ही लाइवली लगेगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो, माने आप जहां से शुरू कर रहे हैं वहां भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए संवाद, और जहां पर आप अंत कर रहे हैं वहां पर भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। संवाद का प्रारूप माने स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। संवाद का प्रारूप पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बोलने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर चिन्ह लगा दे। कैसा चिन्ह लगा दे? जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह लगा दें। फिर उसके द्वारा बोले गए कथित शब्दों को लिख दें। फिर दूसरे व्यक्ति के नाम के आगे फिर से ये चिन्ह लगाकर
उसके शब्दों को भी ऐसे ही लिख दे, तब जाकर ये संवाद बनता है। जैसे आप देख सकते हैं विनय लिखा, विनय जो है वो अपने संवाद बोल रहा है। विनय के संवाद के शुरू होने से पहले हमने ये चिन्ह यहाँ लगाया और आगे हमने विनोद के संवाद लिखे। फिर आया मोहन, जो एक और पात्र है, कैरेक्टर है, उसके नाम के आगे भी हमने ये चिन्ह लगाए और हमने उसके संवाद यहाँ लिखे। आइए एक संवाद जो सब्जी वाले और ग्राहक के बीच का है उस पर हम अपना ध्यान दें। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताजा। ग्राहक, भाव तो बताओ। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो हैं, पर आपसे 12 रुपए ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं। ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा, दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, यह लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सब्जी वाला, सिर्फ 21 रुपए। ग्राहक, लो भाई पैसे। सब्जी वाला, आते रहना बाबूजी। तो आपने देखा एक सब्जी वाले और ग्राहक के बीच का वार्तालाप कितना सरस, कितना रोचक और एकदम स्वाभाविक सरल शब्दों में लिखा हुआ था। ऐसे ही आप भी अपने संवाद लिख सकते हैं और उन्हें एक रूप दे सकते हैं। याद रखें कि आपका संवाद सरस, रोचक और स्वाभाविक जरूर हो। तो आज मैं आपसे आज्ञा लूंगी, संवाद लेखन में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में एक अगले विषय के पास इसके साथ लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।